नमस्ते, ठीक बा खाइएगा? नो। अरे महाराज खाइए, एकदम बढ़िया बनवा के लाए हैं, फ्रेश। नो आई एम ओके। अरे कहाँ शर्मा रहे, ये लीजिए लीजिए। नहीं शर्माने से कुछ नहीं होता, लीजिए। हाँ कहाँ जा रहे हो वैसे? पटना। अरे पटना, हम भी वहीं के हैं। घर है का आपका वहाँ? नहीं, रिलेटिव्स, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो आप बिहारी नहीं हैं? जी बिल्कुल नहीं। नाम क्या हुआ? संजय, संजय प्रकाश। अच्छा, पापा का नाम? जी जगन्नाथ झा। झा जी, ऐसे कैसे बिहारी नहीं हुए आप? हाँ आप तो हुए शुद्ध मैथिल ब्राह्मण, एकदम 100% बिहारी। जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो फिर बिहारी कैसे हुआ? अरे तो मतलब आपके रहने या नहीं रहने से आप बिहारी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हाँ तो जो चिड़ियाघर में शेर है वो भी शेर नहीं हुआ फिर तो? अरे नहीं है, हम बिहारी कह रहे हैं, दिमाग खराब करके रखे हैं। आ गए ना मैसे हम पे। भैया गुस्सा में आदमी अपना सच्चाई दिखाई देता है, आप खुद ही दे दिए सबूत, अब हमको कोनो गम नहीं। अरे हमको बिहारी प्रूफ करके आपको क्या मिल जाएगा? कोई अवार्ड है जो बट रहा है? तो हर काम आप कुछ पाने के लिए ही करते हैं, मन का संतोष, अपनापन, कोई चीज होता कि नहीं बताइए? अरे भैया नहीं कहलाना हमको बिहारी, बड़ी मुश्किल से इस तमगे से पीछा छूटा है हमारा, और अब नहीं। काहे काहे नहीं कहलाना बिहारी, दिक्कत का है जी? कौन कहलाना चाहेगा बिहारी? ना पढ़ाई लिखाई का ठिकाना, ना जान का भरोसा, पूरे देश में बिहारियों का नाम खराब कर रखा है बिहारियों। महाराज इतना भी बुरा नहीं है हमारा बिहार। लगता है आप बिहार से बाहर गए नहीं हैं। हमसे पूछिए, दसवीं के बाद ना चाहते हुए भी माँ बाप घर बार से दूर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा था। हॉस्टल में नाम से कोई नहीं जानता था हमें, बिहारी थे हम। उनके हर जूक का सब्जेक्ट या तो हम रहते थे या हमारे घर वाले। उन्हें लगता था हमारे घर पे हर फंक्शन में लोग लगावे लुतु लिपस्टिक पे डांस करते हैं, और हर लड़का रोड पे यही कहता फिरता है हमका हो चाहिए। तो आपको सच्चाई पता है ना कि हर बिहारी ऐसा नहीं है, तो काहे नहीं आपने बिहार का सही छवि दिखाया उन लोगों को? अरे कैसे दिखाते भैया, हर दिन न्यूज में लूट, अपहरण, रेप के किस्से छपते थे। हमारा तो यही बताने में जान निकल गया कि भैया हम नहीं है बाकी बिहारियों की तरह। वाह, यही जो अपने आप को सेफ करने की आदत है ना, यही साला सब समस्या का जड़ है। तो क्या गलत है, यही चलता है बिहार में, यही चलता आएगा। मैं अगला तू पिछड़ा, मैं ब्राह्मण तू यादव। यादव अपना साइड सेव कर रहे हैं, ब्राह्मण अपना साइड सेव कर रहे हैं। जनता का हित गया भैंस चराने। जब तक बिहार को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कीजिएगा ना, कुछ नहीं हो सकता है। अरे बचपन से देखा है हमने, दादाजी, चाचाजी, पिताजी दिन भर बैठकर पॉलिटिक्स पे चर्चा करते हैं। फलाने का इतना वो ढिमकाने ने काट दिया, फलाना इतना पैसा खर्च करके जीत गया, किसी ने लौंडिया नचवा के इलेक्शन जीत लिया, तो कोई बूथ कैप्चर कर आया है। जब बाहर गए ना तब समझ आया, अच्छा किए बाहर आ गए, नहीं तो वहीं रह जाते कुएं के मेंढक। महाराज जी भी तो सोचिए, वो लोग वहीं रहे हैं जीवन भर, बाहर नहीं गए, दुनिया नहीं देखे, पर आपने तो देखा है ना। हा? तो काहे नहीं सुझाया कोई बात जिससे स्थिति का सुधार हो सके? सर दूर सुंदर महल में जाके बैठकर टिप्पणी करना बहुत आसान है, पर इस गंदगी में उतरकर इस गंदगी को साफ करना बहुत ही मुश्किल है। अब आप जैसा समझदार आदमी एक एक करके बिहार से निकल जाइएगा, तो वहां जो बचेगा वही ना चलाएगा बिहार को। हाँ उनको क्या पता क्या चाहिए, कभी सोचे हैं? सोचे हैं कभी वापस जाकर वहां पे कुछ करने के लिए? अरे लेकिन हम अकेले करते भी तो क्या करते, काहे काहे नहीं कर लेंगे? और अगर ये सोच का आज आप रुक गए तो कल कोई शुरुआत नहीं करेगा। सिद्धार्थ का नाम सुने हैं? कौन सिद्धार्थ? राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे चल के भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, वो भी घर से अकेले निकले थे, पर आज देखिए अरबों में है उनके मानने वाले। और शायद आपको पता होगा कि बिहार को अपना नाम उन्हीं के बिहारों की भूमि होने की वजह से मिला है। क्या हम अकेले कुछ कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते, काहे नहीं कर सकते। और गौर से देखिएगा ना तो आज बिहार बदल रहा है, हालात सुधर रहे हैं,
आप कह रहे थे ना पढ़ने लिखने का स्कोप नहीं है, दिल्ली जाना पड़ा, आज आप सुपर 30 को जरा गूगल करके देख लीजिए। और जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं ना, देर से ही सही लेकिन आज उन मामलों में लोगों को सजा हो रही है। बाकी फैक्ट्स आप इंटरनेट में देख सकते हैं। अब बिहार सर, आज बिहार को जरूरत है आप जैसे पढ़े लिखे, घूमे फिरे और समझदार लोगों की, जो बिहार को वापस उसी ट्रैक पे ले जाए जिस ट्रैक पे वो बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक के समय में। चलिए, हमारे फ्लाइट का समय हो रहा है, निकलेंगे। आज आपने अपना नाम नहीं बताया। हमारा नाम बिहार, बिहार सिंह। आप पटना नहीं जा रहे? नहीं बिहारी बाबू, आई एम फ्लाइंग टू फ्रैंकफर्ट। बिहार इज गोइंग इंटरनेशनल नाउ सर।